कृपा अवतरित हो तथा
उल्लेखित हो
करता मन जब धैर्य
भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, रम भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद दान, इसमें सुरति अंदर।
रखियो मेरे अपना आप विरज विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर में अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले, कर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
शिवम मंगलम सत्यम शिवम मंगलम सत्यम शिवम ध्यान कर
उसके आगे फरियाद कर, तेरे कष्ट सब कट जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। नाम का वो तो बन गया श्री राम का, लिया सरा जिस नाम का वो तो बन गया श्री राम का, जिस नाम से पत्थर तरे, तेरा तरना तो आसान है। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। कब आएंगे ये प्यास थी, लगी भीलनी को ये आस थी, प्रभु कब आएंगे ये प्यास थी। झूठे बेर खाए राम ने, ये तो जाने सारा जहान है। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा।
दान है, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। अपने घर नहीं आया, अपने घर नहीं आया, आप ही आप बुलाया। प्रभु जी आप ही आप बुलाया, आप ही आप बुलाया। मेरे पांव में बेड़ी बन कर, मेरे पांव में बेड़ी बन कर, पड़ गई ममता माया, पड़ गई ममता माया, तुम तो मुझसे दूर नहीं थे, मैं ही पहुंच न पाया, मैं ही पहुंच न पाया, आप ही आप बुलाया। प्रभु जी आप बुलाया। मन मूरख कीनी मन मानी, मन मूरख कीनी मन मानी, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, मैं ही रहा पराया, आप ही आप बुलाया, आप ही आप बुलाया। प्रभु जी
Hey.
प्रेम बिना तो प्रभु नहीं मिलते।
मत वाला ओ राम नाम का प्याला सुनोगी कोई पीवेगा किस्मत वाला मुक्ति का सुख प्रेमी पावे अपने राम के धाम में जावे प्रेम में होके मतवाला सुनो जी कोई नाचेगा किस्मत वाला सुनो जी कोई नाचेगा किस्मत वाला गुरु मेरे प्रेम जी ही है न्यारे सतगुरु न्यारे मेरे सतगुरु न्यारे सतगुरु न्यारे मेरे प्रेम जी है न्यारे गुरु मेरे प्रेम जी है सबसे प्यारे अमृत प्रेम पिलाने वाले अमृत प्रेम किस्मत वाला ओ प्रेम का पंख निराला सुनो जी कोई चलेगा किस्मत वाला ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला मीठा प्रेम प्याला राम नाम का प्याला राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला राम 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 जय जय 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 राम जय जिस पिया हो गया वह निहाल उसमें वह रंगा रहे होकर लालो लाल ब्रह्म पूजन के अंतर्गत आज स्वामी जी महाराज ने ध्यान की महिमा का बखान किया है। हमारा ध्यान किस प्रकार का होना चाहिए आज वर्णन किया गया है। ध्यान की महत्ता साधकजनों कभी भी कम नहीं हो सकती, कभी झुठलाई नहीं जा सकती।
हर साधक को ध्यान का बहुत प्रयत्न करना चाहिए, ध्यान की साधना करनी चाहिए ताकि ध्यान अवस्था लाभ की जा सके। जैसे कुंड में अग्नि के कण होते हैं, स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, ऐसे भक्त भगवान में होता है, ये ध्यान है। जैसे सरिता सागर में प्रवेश कर जाती है, पानी की एक बूंद सागर में प्रवेश करके सागर बन जाती है, तैसे व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। वह भक्त परमात्मा में प्रवेश करके तो उसी का रूप बन जाता है, उसी जैसा हो जाता है, उसके रूप उसके गुण सब उसमें आने लग जाते हैं। जैसे पानी की बूंद सागर बन जाती है, नदी नाले सागर में प्रवेश करके सागर बन जाते हैं, काला कोला अग्नि में प्रवेश करके तो अग्नि ही बन जाता है, उसकी तरह लाल सुर्ख हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक की ध्यान अवस्था होनी चाहिए। आज स्वामी जी महाराज ने ब्रह्म पूजन के अंतर्गत यही वर्णन किया है। वासना कामना की चर्चा चल रही है साधक जनों। आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हृदय में एक कामना जागी है, इच्छा जागी है। वो उसकी का कुर्ता पहनना चाहते हैं, हीरे की अंगूठी पहनना चाहते हैं और हुक्के के कुछ रस लगाना चाहते हैं। एक शिष्य को कहा, ये तीनों चीजें मेरे लिए मुझे लाके दो। तीनों चीजें आ गई हैं। गंगा जी के किनारे एक झाड़ी के पीछे जाके तो छिप गए, फुका पीने लग गए, बोस्की का कुर्ता पहन लिया, हीरे की अंगूठी भी पहन ली, फिर घटा के हंसने लग गए। ये सब कुछ पहन के फुका पी के तो खेल खिला के हंसे, ले क्या मिल गया इससे, पूछते हैं। ये सब चीजें कर ली, क्या मिला इससे, क्या पा लिया तूने इससे। तीनों चीजों को एक एक करके उतार के फेंक दिया है, बोस्की के कुर्ते को फाड़ दिया है, फुके को नीचे गिरा दिया है, हीरे की अंगूठी को अंगज में फेंक दिया है। उन्हें खिलखिला के हंसी, लेकर दोनों हंसियों में बहुत अंतर था। वे तो ऐसी जैसे व्यंगात्मक हंसी थी, अब वास्तविक हंसी है। एक वासना पूर्ति की हंसी थी, एक वासना निवृत्ति की हंसी है, ये वास्तविक हंसी है। कहते हैं शिष्य ने आके पूछा, जो इधर उधर खड़े देख रहे थे, ये ठाकुर क्या कर रही है, पूछा, कहा, रात को स्वप्न में ये सब कुछ आया था, मन सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में कहीं ये चीज छिपी हुई थी, सोचा ये कहीं पुनर्जन्म का कारण बन जाए। कौन कह रही है देवी सज्जन इस बात को, कहीं ये पुनर्जन्म का कारण न बन जाए, मेरे भीतर ये लड़कती हुई ये इच्छा ये कामना मेरे पुनर्जन्म का कारण न बन जाए, इसलिए सोचा इससे छुटकारा पाना चाहिए, ये मेरे मन में ये मेरे अंदर कहीं रह न जाए। कामना की पूर्ति साधक जन, वासना की पूर्ति, ना इससे दुख मिटता है ना इससे सुख टिकता है। कोई भी वासना, कोई भी तृष्णा, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा पूर्ति का एक ही लक्ष्य है ना, परमानंद की प्राप्ति और सर्व दुखों का निवारण। इच्छा की पूर्ति में साधक जनों किसी को स्वतंत्रता नहीं। कितने सुंदर शब्द हैं संतों महात्माओं के, संतवाणी सुन सुन के आदमी आनंदित होता है। इच्छा पूर्ति, इच्छा करने की तनिक सोचो, यही बैठे बैठे इस बात पर चिंतन करो। इच्छा करने में तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन इच्छा पूर्ति में स्वतंत्र नहीं हो, कोई नहीं कर सकता।
इच्छा निवृत्ति में हर कोई स्वतंत्र है, डू इट। इच्छा की पूर्ति में कोई स्वतंत्र नहीं है, आप कुछ भी इच्छा कर लो, आपको स्वतंत्रता है इच्छा करने की, लेकिन उसकी पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सकल ब्रह्मांड घूम के देख लो, कोई भी व्यक्ति उसकी पूर्ति में स्वतंत्र नहीं है, वह परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है। एक इच्छा की निवृत्ति, कामना की निवृत्ति आपको दे दी है, आप पूर्ण स्वतंत्र हो इसकी निवृत्ति करने में, छोड़ दीजिए इसे। कैसे छूटेगी सत्यक्षण, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक इच्छा जागृत हो जाए जिसे प्रभु प्राप्ति की इच्छा कहा जाता है, तो वे सारी इच्छाओं को, एक इच्छा इतनी प्रबल, इतनी प्रार्थना ये प्रबल है, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रार्थना है, इच्छा नहीं रहती, कामना नहीं रहती, तत्काल प्रार्थना बन जाती है, इतनी प्रबल है, सारी की सारी इच्छाओं को दबा के रख देती है, खत्म करके रख देती है। प्रभु प्राप्ति की इच्छा होगी, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करोगे सदक्षित हो तो प्रभु प्रीति की मांग अपने आप आएगी। प्रभु प्रीति भी चाहिए, किस लिए? प्रभु प्राप्ति के लिए, उसके बिना होती ही नहीं। एक बेकार व्यक्ति किसी सेठ के पास गया है, कहा महाराज मुझे नौकर रख लीजिएगा, जरूरतमंद हूं। कहा ठीक है, मेरे पास 50 बैल हैं, बैल बछड़ी सब मिला के 50 हैं, दिन भर तुम विश्राम कर सकते हो, रात की नौकरी है। ये बच्चे ये बैल जिस वक्त सारे के सारे बैठ जाए, रात को तू भी विश्राम कर दिया कर, दिन मेरे तेरे पास है, दिन को विश्राम कर दिया कर, अच्छी लगी नौकरी स्वीकार कर ली, वेतन इत्यादि निश्चित हो गया, इतनी तनख्वाह मिली, दिन भर इस नौकर को कोई काम नहीं, रात की ड्यूटी है, बच्चों को बैलों को रात को बिठा देना है, और उसके बाद जितना समय बाकी है सोया जा सकता है। आज कोशिश कर रहा है इनको बिठाने को, कभी 20 बैठ जाते हैं, कभी 30 बैठ जाते हैं, 50 के 50 कभी नहीं बैठे। एक रात बीती, दो रात बीती, क्या मुश्किल पड़ गई, बड़ी कठिनाई है, कभी 50 के 50 बैठते ही नहीं है, मैं सोऊंगा कब? सीट बहुत अच्छी तरह से जानता है, इन इच्छाओं की, इन कामनाओं की, इस वासना की कभी पूर्ति नहीं होती, ये 50 के 50 बैल कभी नहीं बैठ सकते। 50 लाख जितने भी हो, ये कभी नहीं बैठ सकते। आज बहुत कोशिश करी, किसी न किसी ढंग से इन सबको बिठा के रखूंगा। ऐसा समय आया, सभी के सभी बैठ के एक बछड़ा खड़ा था, कहा इसको दबा के बिठा देता हूं, बस उसके बाद सो जाऊंगा। उस एक को दबाया तो बाकी के बाकी सब खड़े हो गए। ये वासना का हल है, एक वासना एक कामना किसी की पूर्ण होती है तो अनेक साथ ही साथ उदित हो जाती हैं। जैसे ये बैलों ने किया है, बछड़ों ने किया है, ये जीवन के सत्य है। कोई भी कामना, कोई भी आप इच्छा, भौतिक इच्छा आप पूरी करके देख लो, एक इच्छा पूरी करते हो तो साथ ही साथ अनेक और खड़ी हो जाती है। एक तालाब, कुआं, तालाब में भी काई आ जाती है ऊपर, आज एक कुएं में भी काई आ गई है, ऊपर फफड़ी सी जम जाती है, चिंता का विषय, प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता जब तक उस काई को हटाया ना जाए, निर्मल मीठा जल मिलता नहीं है। जिन लोगों ने ये देखा हुआ है, गांव के लोग रहने वाले हैं, देखा है, और उन्हें जैसे ही काई हटाते हैं, नीचे बहुत स्वच्छ
बिल्कुल निर्मल मीठा जल होता है, लोग पी जाते हैं। किसी प्रकार की कोई किसी को इन्फेक्शन या ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि किसी को ऐसी वो हुई है। आज कुएं में कई आ गई है। जो भी कोई पानी निकलता है साथ ही साथ कई भी आती है, मार पानी पीने योग्य नहीं है। गांव के लोगों ने किसी संत महात्मा से पूछा, डॉक्टरी विषय नहीं है ये, अध्यात्म की बातें तो फिर संत ही समझा सकते हैं, जो समझते हैं वही समझा सकेंगे, दूसरों का विषय ही नहीं है। किसी संत से पूछा, कोई काई आ गई है क्या करें, कहा मछली छोड़ दो, मछली पालन करो, काई खत्म हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, कुएं में मछली डाल दी, मछलियां तो बढ़ रही हैं, काई सारी की सारी खत्म हो गई, लेकिन पानी तो अभी भी पीने के योग्य नहीं है। मछलियों की अपनी गंदगी है। एक इच्छा पूर्ण हुई, अनेक साथी साथ और आ गई है। वे अपनी गंदगी पुनः संत के पास गए, कहा महाराज मछलियां छोड़ने से हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, पानी पीने योग्य नहीं है। वासना की बूर जब तक रहेगी साधक जनों तब तक कहीं आप सोच चुकी इस जीवन में ठहराव आ जाएगा ये संभव नहीं है, ये जीवन उपयोगी हो सकेगा ये संभव नहीं है, ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति कर सकेगा ये संभव नहीं है। वासना के होते हुए इसकी भूख बड़ी खराब है। कहा मछलियों को मारने के लिए कछुआ छोड़ दो, कछुआ छोड़ दिया। संत महात्मा ऐसे टूट के बताते हैं कोई चीजें समझाने के लिए, कोई तथ्य स्पष्ट करने के लिए, ऐसे तो नहीं, कोई प्रयोग तो नहीं कर रहे हो। कछुआ छोड़ दिया, मछलियां खत्म हो गई, लेकिन कछुआ भी तो गंदगी डालता है, पानी फिर भी उपयोगी नहीं है, पिया नहीं जा सकता। पुनः संत महात्मा के पास गए, कहा महाराज ताई भी खत्म हो गई, मछलियां भी खत्म हो गई, लेकिन ये कछुए की गंदगी भी पानी को पीने योग्य तो नहीं रहने देती, अब क्या करें। अरे भाई कछुए को भी निकाल दो, अब पानी ठीक पीने योग्य हो जाएगा। इतनी सी कामना वासना लेश मात्र रहेगी साक्ष जीवन उपयोगी नहीं रह सकता। एक कामना आ जाए, पुनः बार बार आप जी को याद दिलाता हूं, एक प्रार्थना अपने जीवन के अंदर आ जाए, प्रभु प्राप्ति की भारी उत्कंठा तड़प जग जाए, प्रभु प्रीति की तड़प जग जाए, तो सारी की सारी भौतिक कामनाएं जो है वह अपने आप खत्म हो जाती हैं। विश्वास ना आता हो तो करके देखिएगा, एक तड़प एक इच्छा। एक दिन पहले भी कहा था, ये तड़प हल्की बुद्धि में नहीं आती, बड़ी भारी कठिनाई है। हर कोई चाहता है ये तड़प हमारे अंदर आए, भगवत प्राप्ति की इच्छा चाह हमारे अंदर जगे, परमात्मा की प्रीति हमारे अंदर आए। अनेक सारी साधनाएं करता है, बहुत भक्ति जप करता है, लेकिन प्रीति पूर्वक तो नहीं करता, प्रीति आती ही नहीं है। वह प्रीति हल्की बुद्धि में नहीं आती, वह प्राप्ति की तड़प हल्की बुद्धि में नहीं आती। हल्की बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि में अभी तक भी राग द्वेष बना हुआ है, पक्षपात बना हुआ है, अभिमान बना हुआ है, ये दुर्गुण जिस बुद्धि में अभी तक बने हुए हैं साधक जनों, ऐसी बुद्धि को हल्की बुद्धि कहा जाता है। इस बुद्धि में कभी परमात्मा के लिए तड़प, उसकी प्राप्ति के लिए तड़प, जिसे तड़प कहा जाता है, वह तड़प कभी नहीं आएगी। संसार के लिए आंसू तो बहुत बहेंगे, लेकिन परमात्मा के लिए दो बूंद आंसू, ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति की आंखें पथराई हुई आंखें हुआ करती हैं, ये बरसती ही नहीं है, ये दो बूंद आंसू नहीं निकल सकती।
एक और समस्या खड़ी हो गई। इस बुद्धि को ठीक करने के लिए, इस बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने की जरूरत है, ताकि ये हल्की ना रहे तो इसमें परमात्मा के लिए तड़प पैदा हो। साधना लंबा काम है, उसके बाद ये सब कुछ होता है। रहमा दे चरना दी पीत चरना दी मौज बड़ी, रहमा दे चरना दी पीत रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी, रामा दे चरना दी प्रीत चरना दी मौज बड़ी। सर्वशक्ति मते Thank you.